हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी रेसिपी है आलू के पराठे। इस रेसिपी से आप आलू के पराठे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही जल्दी बनकर भी ये तैयार हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ 4 बड़े आलू, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कसूरी मेथी, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, हींग, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च भी ली है और अदरक भी ली है, इन दोनों को आप जरूर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अदरक और हरी मिर्च को कूट लेंगे। तो इस तरीके से पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये आलू ले लिए मैंने। अब आलू को हम मैश कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये आलू मैश हो चुके हैं। तो चलिए अब चटनी बना लेते हैं हम आलू की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट जो हमने बनाया था उसको मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और अब ये कसूरी मेथी, आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप हरी मेथी भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम सारे जो जीरा हमने सारे मसाले लिए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, अमचूर, नमक, हल्दी, हींग और लाल मिर्च। और ये हरा धनिया भी ऐड कर लेते हैं हम इसमें। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम अपनी चटनी को कोई फ्राई वाय नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही हमारी चटनी आलू के पराठे इससे ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनेंगे, इसे आप एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो आइए अब हम आलू के पराठे बना लेते हैं। तो ये मैंने आटा डो बना लिया है आटे का, ये इसकी रोटी बेल लेते हैं। तो ये थोड़ी बड़ी रोटी बेल ली है, अब इसमें मैं चटनी डाल देती हूँ। इसे अब पैक कर देते हैं ताकि आलू बाहर ना आए। इसे अच्छे से पैक कीजिएगा ये दबाकर। अब वापस से हम इसे बेल लेंगे। तो ये मैंने बेल रही हूँ इसे। इसमें ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारे आलू के पराठे के जो आलू हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे, इसलिए कम उससे करके। तो आइए अब हम तवा पे डाल देते हैं हमारे आलू के पराठे को। ये एक तरफ से पक चुका है तो अब मैंने इसको पलट दिया है और यहाँ पर मैं ऑयल भी ऐड कर रही हूँ। ऑयल सब मैं पूरी पराठे पे स्प्रेड कर दूंगी। फिर ये पलट दिया मैंने, यहाँ पर भी मैं ऑयल लगाऊंगी इसे भी अच्छी तरीके से स्प्रेड कर। फिर से ये पलट दूंगी। तो ये लगभग हमारा पराठा रेडी हो चुका है। तो ये मैंने इसको निकाल लिया है, गार्निश भी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा बटर भी लगा देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा पराठे में। आप जरूर बटर लगाइएगा आलू के पराठे में, इससे बहुत ही डिलीशियस टेस्ट आता है पराठों में। ये बटर को मैंने सारे पराठे पे स्प्रेड कर दिया है। तो ये हमारे आलू के पराठे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारे आलू के पराठे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर भी जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। और वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए झटपट तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।